press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया में चार करेक्टर्स रहते थे, स्निफ, स्करी जो कि दो चूहे थे, और हेम एंड हॉ जो कि उसी उन्हीं के साइज की तरह दो पीपल थे। तो ये चारों ही एक भूल भुलैया के पास रहते थे। तो एक बहुत बड़ी भूल भुलैया के पास वहां पर इन लोगों के एक ही टारगेट था, भूल भुलैया के अंदर जाकर चीज ढूंढते थे। तो ये चारों रोज सुबह शूज पहनकर ये निकल जाते थे चीज ढूंढने। तो फाइनली एक दिन वो आता है कि चारों के चारों ने चीज स्टेशन ढूंढ लिया होता है जिसका नाम होता है चीज स्टेशन सी। तो जब वो चीज स्टेशन ढूंढ लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको चीज खाने के लिए बहुत सारी चीज मिलती है, वहां बहुत बड़ा चीज का पहाड़ होता है। तो स्निफ और स्करी रोज सुबह बहुत जल्दी पहुंच जाते थे चीज खाने, डेली का उनका रूटीन था कि अपने शूज फटाफट बांधे और वो चीज खाने के लिए निकल गए, और वो सबसे पहले दोनों पहुंच जाते थे, स्निफ एंड स्करी। और उसी के साथ जो हेम एंड हॉ थे वो थोड़ा लेट आते थे, वो थोड़ा आराम से आते थे। ऐसा कहा जाता है कि स्निफ और स्करी वो कंफर्टेबल वहां पर फील कर रहे थे पहले, बट उनको पता चल गया था कि ये जो चीज है ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी। बट जो हेम एंड हॉ है वो बहुत ही स्लो आते थे, आराम आराम से आते थे, उनको लगता था कि ये चीज पूरी जिंदगी के लिए हमारी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये पूरी लाइफ हमारी चीज चलेगी। तो एक दिन ऐसा आता है कि वहां पर वो चीज खत्म हो जाती है, और ऐसे माने ऐसे जब खत्म हो जाती है तो अगले दिन जब वहां पर स्निफ एंड स्करी आते हैं तो उनको देखकर इतना उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? उनको एक पता होता है कि ये एक चेंज आना था लाइफ में, ये एक पॉइंट आएगा कि जब ये चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो जब वो लोग क्या करते हैं, स्निफ और स्करी वो उसी टाइम निकल जाते हैं और उस भूल भुलैया में दूसरी जगह अपनी चीज स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बट जैसे ही हेम और हॉ आराम से अपने घर से उठकर तैयार व्यार होकर जब चीज खाने पहुंचते हैं तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि चीज कहाँ गई। और जब उसको हॉ बोलता है हेम को कि यहाँ पर चीज नहीं है और स्किप और स्करी भी नहीं है, तो हम लोग चलते हैं, क्या पता हमें भी कोई चीज मिल जाए। बट जो हेम होता है वो कहता है हु मूव्ड माय चीज, वो बहुत जोर से बोलता है कि मेरी चीज थी ये, किसने मेरी चीज यहाँ से निकाल दी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरे को यहाँ पर वैसे ही चाहिए जैसे पहले जैसा था। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? वहां से चीज तो खत्म हो सकती है, बट जो हेम होता है वो चेंज को बिलीव नहीं करता कि ये चेंज मेरी लाइफ में क्यों आया। तो इसी के बाद जो स्टोरी आगे चलती है तो हेम एंड हॉ वहीं पे अभी होते हैं और स्निफ एंड स्करी भूल भुलैया में निकल जाते हैं। तो जब वो भूल भुलैया में निकलते हैं वो फाइनली एक दो दिन बाद उनको स्निफ एंड स्करी को नया चीज स्टेशन मिल जाता है, वो वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। बट जो हेम एंड हॉ है वो डेली उसी चीज स्टेशन सी पर आ रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें चीज पहले की जैसी मिलेगी। तो फाइनली 3-4 दिन तक जब वो हेम एंड हॉ फाइनली आते रहते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर चीज नहीं है, तो जो हॉ होता है हॉ बोलता है कि मैं आज यहाँ से मैं चीज ढूंढने जा रहा हूँ, हेम तूने मेरे साथ चलना है या नहीं चलना? बट हेम उसको मना कर देता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो हेम वहां से चला जाता है, तो हॉ वहां से चला जाता है और हेम वहीं पे बैठा रहता है। तो हॉ को भी बहुत टाइम लग जाता है चीज ढूंढने के लिए, वो भी भूल भुलैया में निकल जाता है अपने शूज टाई करके फटाफट, वो भी भूल भुलैया में निकल जाता है। बट जो हॉ होता है उसको बहुत टाइम लगता है और फाइनली उसको एक जगह मिल जाती है जहां पर उसको थोड़े बहुत चीज के टुकड़े मिलते हैं। तो वो देख के वो खुश होता है और वो एक बोलता है कि अगर मैंने ये पहले ही चेंज अपना लिया होता, पहले ही मतलब डिसीजन ले लिया होता, तो क्या पता आज यहाँ पर मैं चीज एंजॉय कर रहा होता। तो हेम समझ जाता है कि हॉ समझ जाता है कि हमें चेंज उसी टाइम लेना चाहिए जिस टाइम उसकी जरूरत हो, हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें चेंज ले लेना चाहिए। तो हॉ तो चला जाता है, हॉ को 3-4 पीस जैसे ही मिलते हैं चीज के वो अपनी जेब में कुछ पीस रख लेता है कि मैं जाकर हेम को दूंगा। बट जो हेम जब वो हेम के पास पहुंचता है उसको बताने के लिए, वो खुश इतना होता है कि मैं उसको बताऊंगा और हेम मेरी बात मानकर इस चीज स्टेशन को ढूंढने के लिए आ जाएगा। बट जैसे ही वो हेम के पास पहुंचता है हॉ, तो हॉ उसको देता है कि ये लो आप, उसको देखता है कि वो बहुत ही भूखा होता है, उसको चीज ऑफर करता है बट वो मना कर देता है और वो एक ही बात के पीछे रहता है कि हु मूव्ड माय चीज, कि ये मेरी ही चीज थी और ये चीज किसने मूव करी। तो बात यहां पर पहुंचती है, हेम जो हेम होता है वो उसको मना कर देता है चीज खाने के लिए, बट हॉ उसको कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश करी इसको चेंज करने की बट ये चेंज नहीं हो रहा, ये जो चेंजेस जो लाइफ में आ रहे हैं ये इसको अडेप्ट नहीं कर रहा। तो हॉ वहां से चला जाता है, हॉ फिर भूल भुलैया के तरफ चला जाता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है चीज में को चीज स्टेशन नया मिले।
तो 3-4 दिन भी बीत जाते हैं, वो पूरी कोशिश करता रहता है कि मेरे को चीफ स्टेशन नया मिले, और फाइनली एक दिन आता है कि चीफ स्टेशन एन मिलता है हॉ को, हॉ ने ढूंढ लिया चीफ स्टेशन एन, तो वो बहुत खुश होता है कि यहाँ पर चीफ स्टेशन एन उसको मिल जाता है, और वो बहुत खुश होता है, और वो देखता है कि उसके दो दोस्त जो दो चूहे थे स्निफ और स्करी भी वहां पर होते हैं, वो भी वहां पर पहले से ही चीज खा रहे होते हैं। क्यों? इससे ये पता चलता है कि स्निफ और स्करी ने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था, उनको पता चल गया था कि उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो उन्होंने चेंजेस उसी अकॉर्डिंग ले लिए, और वहां पर सबसे पहले उन्होंने ये चीज का फायदा उठाया। उसके बाद जैसे ही हॉ को पता चला, हॉ ने भी ढूंढने की कोशिश करी, और फाइनली अगर हॉ भी उसकी तरह हेम की तरह रहता तो वो भी चीज को ना चीज नई चीज को नहीं पा पाता, बट जो हॉ है उसने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया, उसने हेम को पीछे छोड़ा और उसको बोला अगर तुमने चेंज नहीं होना तो ना हो, मैं तो चेंज हो रहा हूं, और फाइनली जो है हॉ को मिल जाता है चीफ स्टेशन एन। तो वहां पर वो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत सारे मिलकर हॉ और स्निफ एंड स्करी मिलकर चीज खाते हैं। तो इसके बाद यही फाइनल होता है कि जो हेम होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, वो चीज खाने नहीं आता, और फाइनली जो हॉ है वो निकल कर बाहर वॉल पे एक 5 लाइन लिखता है, 5 वर्ड चीज बनाकर उसके ऊपर 5 वो लिखता है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूं। वो 5 लिखता है कि जो हेम है वो इसको पढ़कर क्या पता आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये तो स्टोरी होगी खत्म, मैं अब आपको बताता हूं कि इस स्टोरी से हमें क्या की लेसन मिलते हैं। तो सबसे पहला की लेसन है चेंज हैपन दे कीप मूविंग द चेंज, आप चाहो या ना चाहो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। जो ये स्टोरी में था, जो हेम था वो चाहता नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई चेंज आए, बट उसकी लाइफ में चेंज आता है कि वो चीफ स्टेशन जो उसको पहले सी मिल रहा होता है वो वहां पर जब चीज खत्म हो जाती है तो उसकी लाइफ में चेंज आ गया, उसको दूसरा ढूंढना चाहिए था बट वो दूसरा नहीं ढूंढता, तो ये उसका एक ड्रॉबैक था, इसीलिए वो आज भूखा बैठा है, और उसी के बाकी जो दोस्त है उन्होंने वो चेंजेस को अडेप्ट करा, तो वो अब फायदा उठा रहे हैं उस बात का। तो सेकेंड की लेसन है एंटीसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो उसके लिए तैयार रहो, हमेशा जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में चेंज आएंगे तो आपको उसकी उसी जैसा तैयार होना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरी लाइफ में चेंज क्यों आया, आपको तैयार रहना चाहिए हर चेंज के लिए। थर्ड चेंज है मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चेंजेस, हमेशा अपने आस पास होने वाले चेंजेस पर ध्यान रखो। तो इससे हमें पता चलता है कि ये चेंज, ये थर्ड कहता है मॉनिटर द चेंज, कि जो भी आसपास हो रहा है उसे हमें चेंजेस का ध्यान रखना चाहिए, उस चेंजेस को बारे में देखना चाहिए, और जैसी वो चेंजेस आने का पता चल जाए हमें उसका हमें फटाफट एक फायदा उठा लेना चाहिए। तो फोर्थ आता है अडैप्ट टू चेंज क्विकली, चेंजेस आने के बाद उसी जल्दी अडैप्ट करें और अफसोस करते हुए चीजों को और बुरे ना बनाए बल्कि उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो चेंजेस जैसे ही हमें पता चल जाए कि हमारी लाइफ में अब ये चेंज आने वाला है उसे हमें बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेना चाहिए, हमें पुरानी बातों को देखकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, अगर हम पुरानी बातों में लगे रहेंगे कि पुराने, अगर वो हेम भी अगर मान जाता तो आज वो भी उनकी तरह चीज एंजॉय कर रहा होता, तो हमें पुरानी बातों को भूलना चाहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। तो एंजॉय द चेंज, अगर आप ये सब बातें करोगे तो आप चेंज एंजॉय करोगे, और ये बातें चेंज जब आप एंजॉय करोगे तो ये बातें आपको आगे बढ़ाएगी, सक्सेसफुल बनाएगी, और इस लाइफ में जितने भी आपको प्रॉब्लम आएगी इस सबको आपको फेस करना भी सिखाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी जो कि डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की बुक हु मूव्ड माय चीज से ली गई थी, ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, इसकी ये समरी मैंने आपको आज इस वीडियो में दी है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हो थ्रू Amazon, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही मोटिवेशन आपको देगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्पेशली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि जॉब में है, जो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं बट वो अडैप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको भी चेंजेस अडैप्ट करने चाहिए, अगर वो अडैप्ट नहीं करेंगे चेंजेस तो वो अपनी लाइफ में फंस जाएंगे और नए चेंजेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे और बाकी लोग फायदा उठा लेंगे और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल फाइनेंशियल अड्डा को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।